हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड कक्षा। आज हम फिर से हाजिर हो गए आपके सामने एक बहुत ही आसान और सरल रेसिपी के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम पता है क्या बनाने वाले हैं? आज हम बनाने वाले हैं एप्पल की खीर। एप्पल का जूस आपने पिया होगा, एप्पल का मुरब्बा खाया होगा, लेकिन आज हम एक एप्पल से बनाने वाले हैं एप्पल की खीर। इसे आप एप्पल डेजर्ट, एप्पल खीर कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसके लिए मैंने लगभग 300 ग्राम का एक एप्पल वॉश करके ले लिया है। अब मैंने इसको पील कर लिया है। अब मैं इसको कद्दूकस कर लूंगी। अब मैंने लिया एक पैन, उसमें ऐड किया 1/4 चम्मच देसी घी। अब मैं पैन में ये कद्दूकस किया हुआ एप्पल ऐड कर दूंगी, लेकिन कलर चेंज होने से इसके टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये खाने में उतनी ही स्वादिष्ट खीर लगेगी जितनी ये बनेगी। देखिए, अब एप्पल को भूनते हुए 2 से 3 मिनट लगभग हो चुके हैं। अब ये एकदम भुनकर तैयार है। अब हमने इसमें ऐड किया लगभग 300 ग्राम मिल्क और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। अब मैंने थोड़ी देर के लिए खीर को चलाना बंद कर दिया है ताकि ये दूध फट जाए और पनीर जैसा लुक आ जाए। अब मैंने खीर का टेस्ट और कलर इनहेंस करने के लिए 2-3 चम्मच पानी में 4-5 धागे केसर के भिगा दिए थे ताकि खीर का कलर अच्छा आ सके। ये मैंने अब खीर में ऐड कर दिया। अब मैंने खीर में थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए। अब हम खीर को मीठा करने के लिए चीनी के बजाय ये ऐड कर देंगे गुड़ की शक्कर। ये लगभग हमने 3 चम्मच गुड़ की शक्कर ऐड कर दी। ये मार्केट में आराम से मिल जाती है। अब मैं इसमें अच्छे फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ 2 से 3 ड्रॉप इलायची एसेंस की। आप चाहें तो इसकी जगह पर इलायची कूट कर भी डाल सकते हैं। यदि आप फटे दूध वाली खीर बनाना चाहते हैं तो आप खीर को चलाना छोड़ दीजिए, ठीक मेरी तरह जैसे मैंने छोड़ दिया। अब मैंने इसको कर लिया सर्व और थोड़े से पिस्ते और बादाम से गार्निश कर लिया और थोड़ी सी मैंने इसमें रेड कलर की चेरीज ऐड कर दी ताकि ये देखने में टेम्पटिंग लगे। मेरी तो हो गई खीर रेडी। आप भी इसको बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कोई इजी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय।